नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल डिपार्टमेंट ने एक डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है अपना, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट DIU के अंतर्गत जिला कार्यक्रम समन्वय में UTV आधार पर एक भर्ती निकाली है। उसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन आवेदन कर सकता है, वीडियो में विस्तृत रूप से जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं इसके लिए कौन एलिजिबल है, कब तक आवेदन आपको करना है और कहाँ आवेदन करना है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने एक यहाँ पर लेट निकाला है 15 सितंबर 2021 के माध्यम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट DIU के अंतर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद पर आवश्यक अस्थायी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर नियुक्ति बाबत। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का गठन होगा और उस यूनिट में जिला कार्यक्रम समन्वयक की यहाँ पर पोस्ट क्रिएट की है। बता दूं, ये पोस्ट पूर्णतया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ की गई है। जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद पर ये भर्ती आई है। आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के अंतर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक के आवश्यक अस्थायी UTV आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और कार्य क्षेत्र के संदर्भ में यहाँ पर 2 जून को निर्देश प्रदान किए थे। उक्त क्रम में कुछ जिलों से CMHO ने अवगत करवाया कि उक्त निर्धारित योग्यता के अभ्यर्थी जिला कार्यक्रम समन्वयक पर UTV आधार पर आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अतः जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद पर संशोधित जो योग्यता है और जो अनुभव है वो यहाँ पर जारी किया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकें। तो दोस्तों, कुछ यहाँ पर संशोधन हुआ है, योग्यता में संशोधन हुआ है, क्योंकि इसके लिए कोई भी यहाँ पर आवेदन नहीं कर पा रहा था। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसके लिए जो योग्यता है जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद पर MBA, आपने 2 साल का MBA किया है, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है, या मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिन है 2 साल के प्रोग्राम में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप जिला कार्यक्रम समन्वयक डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन है वो MBA 2 साल का प्रोग्राम, चार्टेड अकाउंटेंट, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिट 2 साल का वाला प्रोग्राम आपने किया है, तो आप इसके लिए योग्य हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने एक वांछनीय योग्यता भी यहाँ पर रखी है कि कम से कम 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में, और इसके अलावा जो अदर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर दिया गया है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, एनालिटिकल एंड इंटरप्रिटेशन एबिलिटीज होनी चाहिए, एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड हिंदी में आपको होनी चाहिए, आप कंप्यूटर के जानकार होने चाहिए, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और IT के आप अगर जानकार हैं, आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज है, तो आप इसके लिए योग्य हैं, आप डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के जिला कार्यक्रम समन्वय के पद पर आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो आपको आवेदन है वो संबंधित CMHO और जो जिला चयन समिति है उसके समक्ष आपको करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो शर्तें हैं वो पूर्व की ही यहाँ पर रहेगी। कानाराम जो संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उनके हस्ताक्षर से लेटर यहाँ पर जारी हुआ है। तो दोस्तों, जो योग्यता में संशोधन यहाँ पर कर दिया गया है, अब जो योग्यता है MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिन यहाँ पर रखा गया है। साथ ही अगर आपको 3 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं बता दूं, जो विज्ञप्ति है राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस ने इसके लिए जारी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के लिए प्रत्येक जिले में एक और जयपुर जिले में 2 जिला कार्यक्रम समन्वयक के लिए विज्ञप्ति यहाँ पर आमंत्रित की है, और जो आवेदन है वो यहाँ पर स्वीकार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने 1852 नंबर आदेश के माध्यम से 21 सितंबर 2021 को एक विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की।
पूर्णतः जो अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस पे प्रत्येक जिले में हो, एक और जयपुर जिले में। तो बताऊं कि दोस्तों मैं बता दूं, जयपुर जिले में दो सीएमएचओ यहां पर कार्यरत है, इस वजह से यहां पर दो पोस्ट यहां पर जयपुर जिले के लिए रखी गई। इन्होंने कहा कि जिला कार्यक्रम समन्वयक की यूडीबी आधार पर नियुक्ति संबंधित जिले के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। उक्त पद पर पदों का विवरण, आवश्यक योग्यता जो मैंने आपको बताई ही दी, आयु क्या रहेगी, इसका जो विवरण है अपनी वेबसाइट जो है rashtraswasthya.nic.in पे दिया गया है। तो दोस्तों जो योग्यता है इसका संशोधन यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही जिस जिस जिले में जो वैकेंसी आई है वो आप देख सकते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा और उदयपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के तहत जिला कार्यक्रम समन्वयक के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन कहां पर आपको प्रस्तुत करना है मैं बता दूं, संबंधित जो भी आप जिले में, अगर आप सीकर जिले में आवेदन करना चाहते हैं तो सीएमएचओ सीकर को, जयपुर में आवेदन करना चाहते हैं तो जयपुर फर्स्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सीएमएचओ जयपुर फर्स्ट में आवेदन आपको करना होगा। इस प्रकार से जिस भी जिले के आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सीएमएचओ के अंतर्गत आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि यहां पर है वो 5 अक्टूबर 2021 साइन 5 बजे तक रखी है, और वॉक इन इंटरव्यू कब रखे जाएंगे ये जिला स्वास्थ्य समिति निर्धारित करेगी कि कब उनको वॉक इन इंटरव्यू रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के तहत अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पे जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद पर वैकेंसी निकाल दी है। साथ ही मैंने आपको बताया कि इसकी जो योग्यता है उसमें यहाँ पर राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने संशोधन किया है। MBA 2 साल का प्रोग्राम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिन अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, इसके लिए आवेदन यहां पर कर सकते हैं। आवेदन का किस प्रकार से करना है आपको फोरम के माध्यम से 5 अक्टूबर 2021 साइन 5 बजे तक संबंधित जिस भी जिले के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सीएमएचओ के अंतर्गत आप जो अपना आवेदन पत्र है वो जमा करवा सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक की जो नियुक्ति है, जो चयन प्रक्रिया है वो जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन होगा उसके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों पूर्णतः पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और यहाँ पर जो है पूरा जो बायोडाटा है वो आपको दिया गया है। आप अगर ऑफिशियल साइट विजिट करना चाहते हैं तो आप rashtraswasthya.nic.in या chiranjeevi.rajasthan.gov.in के माध्यम से भी आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों जो है राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के लिए डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के तहत जिला कार्यक्रम